जय हिंद बच्चों। तो कैसे आप सब, दक्षिण मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आज एग्जाम था, जो कि आप सभी का जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा, सभी ने अच्छा किया होगा। ठीक, तो कुछ बच्चों के कुछ जो भी डाउट रह गए होंगे, जैसे कि किसी क्वेश्चन का, जैसे कि वो आंसर है उनको 100% नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा इसका, या कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपका जो क्वेश्चन है आज का वो हम कराएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं रीजनिंग का पोर्शन कराऊंगा। ठीक है, और देख अपना क्वेश्चन भी बताते चलेंगे आंसर, कि आपका जो आंसर है वो आपने कौन सा टिक कराया है, या कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो लगाया है। इससे पता चलता रहेगा कि आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके कितने सही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वन देखते हैं। ठीक है, और ये जो मैं सेट है, ये आपका जो एफ सेट है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो एफ है। ठीक है, तो मैं एफ सेट करा रहा हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो सब अपना मैच करते हुए चलेंगे कि इसमें आपको कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। ठीक है, और सही बच्चे अपना आंसर कमेंट में करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखो पहले सबसे पहले सर्किल दिया गया है। ठीक है, सर्किल देने के बाद एक सर्किल छोटा हमारा यहाँ पर और इसमें कलर भरा हुआ है, हमें इनमें से एक ओड बताना है कि इनमें से ओड कौन सा होगा। मतलब आपके पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से आपको बताना है ओड कौन सा होगा। तो बता सकते हैं कि कौन सा ओड होगा, सही बच्चे अपना जो आंसर है वो कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये चारों डायग्राम जो है वो आपके सामने बना दिए गए हैं, तो इनमें से बता देंगे कौन सा आपका ओड होगा। क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहे होंगे, तो इनमें से बताएंगे कौन सा आपका ओड होगा। देखो इसमें ये जो सर्किल बन रहे हैं यहाँ पर, ये सर्किल इससे सर्किल से टच हो रहे हैं, मतलब ये डिजाइन बन रहे हैं। ठीक है, इसमें भी है ये और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको डिजाइन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन बी में है इस प्रकार से, ऐसे ही चार ऑप्शन है और इसमें भी आपको विषम बताना है, मतलब कि ओड बताना है। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा ओड होगा, इन चार ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ओड होगा। ठीक है, तो देखो ये जो एरो है ये आपका अंदर की ओर है, मतलब बिल्कुल सही बना हुआ है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये उल्टा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सही बना हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिया गया है कुछ टाइप में और इसमें कलर भरा हुआ है, सेकंड वाले ऑप्शन में इसको रोटेट कर दिया गया है और इसमें कलर भरा हुआ है, ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कलर भर जाएगा, लेकिन जो आपको फोर्थ ऑप्शन है उसको देखेंगे एक बार, नोटिस करेंगे कि इसमें हमें क्या नहीं दे रखा है। तो देखो ये जो लाइनिंग है ना पूरी, ये हमारी शेक्कल होनी चाहिए थी, लेकिन इसके एक्कल हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कौन सा होगा, देखो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, और उसके सभी कॉर्नर पर सर्किल बने हुए हैं ऑप्शन बी में, और इनमें कलर भरा हुआ है, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर आगे एक स्क्वायर दिया गया है, उनके कॉर्नर पर स्क्वायर, मतलब जो फिगर आपकी बड़ी बनी हुई है वही आपकी छोटी छोटी फिगर बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन देखो सर्किल है, तो उसके बाहर भी चारों ओर सर्किल बने हुए हैं, तो हमारा जो ओड होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल ही बना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बनना है, स्क्वायर सर्किल बनना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अपने जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करते हुए चलें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पहले कुछ डायरेक्शंस हैं, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, मतलब कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर बतानी है कि इनमें से सेम फिगर कौन सी होगी। तो क्वेश्चन फाइव है,
क्वेश्चन फाइव में आपका दिया गया है कुछ इस टाइप से डायग्राम, ये इसके सेम फिगर हमें बतानी है कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल इसमें सेम दिख रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हमारे से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो आपको डिजाइन दिया गया है वो कुछ इस टाइप से, इसमें कलर भरा हुआ है, ठीक है। ये और इसके अंदर आपका कलर भरा हुआ है, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, ऑप्शन ए ऐसा है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल अलग ही डिफरेंट ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी तो बन तो सेम रहा है, लेकिन ये जो डिजाइन हमारे ये कुछ बस खाली सिंगल लाइन से ये हमारे डिजाइन बने हुए हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसी के सेम बनना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेंगे, ऑप्शन डी हैगा हमारा या नहीं होगा। देखो ऑप्शन डी में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन बनी हुई है जो कि हमारा नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका डायग्राम जो बना हुआ है कुछ इस शेप में बना हुआ है, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर हमें बतानी है, तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, ऑप्शन ए मेरे को सबसे पहले तो ये हमारा ये सर्किल बनना है, टॉप जो बनना है यही नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसी के सेम बनना है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन एट में क्या है, क्वेश्चन एट में हमें तीन सर्किल दिए गए हैं, एक के अंदर एक, तो बता सकते हैं कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक दो तीन सर्किल हैं और एक पॉइंट है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी में तीन सर्किल हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इसकी कुछ डायरेक्शंस हैं, इसमें देखो फिगर है, ठीक, मतलब जो कंप्लीट डायग्राम है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नाइन्थ जो है वो कुछ इस शेप में बनना है, ठीक है, ये और यहाँ पर, तो हमें बताना है कि यहाँ पर हमारी क्या जो फिगर है वो यहाँ पर आएगी इन चार ऑप्शन में से, तो कौन सी आएगी। देखो ये हमारा डायग्राम इधर गया ये वाला, तो ये भी हमारा ऐसे ही जाएगा, तो क्या होगी फिगर, ये कुछ इस टाइप में होगी, सही है। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में भी आपको जो सीरीज है आपको कंप्लीट करनी है, फिगर सीरीज है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये लाइनिंग बनी हुई है, तो हमें इसे भी पूरी ऊपर की ओर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर कितने होंगे, एक दो तीन चार, तो कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अपने जो आंसर है वो आपने मैच करते हुए चलेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो फिगर है ये हमें इसको कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो इसके सारे डायगनल जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको भी आपस में डायगनल ऐड कर देंगे, तो ठीक है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस शेप में दे रखा है, ठीक है। तो हमें
हमें बताना है कि इस वाली पोजीशन में क्या आएगा, इस वाली पोजीशन में भी कुछ इस टाइप से ही करके आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ए, ए में तो पोजीशन तो एक हमें यहाँ पर ए में इसलिए वाली पोजीशन दे रखी है, तो ए तो हमारा नहीं होगा। अब चेक करेंगे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपकी जो सीरीज दी गई है, मतलब ये श्रेणी दी गई है, उसको हमें कंप्लीट करना है, सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये दिया गया है, फिर सेकंड ऑप्शन में ये दिया गया है, थर्ड में ये दिया गया है, तो पूछा है फोर्थ में क्या होगा, तो फोर्थ में हम एक और ऐड कर देंगे। तो ये जो फिगर बन रही है हमारी, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में हमारी ये बिल्कुल सेम फिगर बन रही है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 चार स्क्वायर बनने हैं, उसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या हुआ, एक स्क्वायर कम हुआ तो एक उसमें सर्किल आ गया। थर्ड वाले में एक और स्क्वायर कम हुआ तो एक और सर्किल उसमें आ गया, मतलब तीन सर्किल हो गए। तो तीन से सर्किल कितने होंगे? चार। चार सर्किल किस में दिख रहे हैं? ऑप्शन डी में। देखो दो स्क्वायर थे तो लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे? एक। तो एक आपका स्क्वायर होगा और चार सर्किल होंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सीरीज है। देखो ये आपका पहला डॉट है और सर्किल है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक डॉट ऐड हो गया, उसके बाद एक सर्किल ऐड हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक डॉट ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी जो फिगर है वो किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो बताएंगे एक बार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एरो आपका इधर की साइड है, फिर एक इधर की साइड है, फिर एक इधर की साइड है, तो अब किधर की ओर होगा? अब हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर बन रही है ये किस ऑप्शन में आपकी बन रही है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। और अपने जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिए कि आपने जो कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपका रिलेशन जो है वो फर्स्ट वाले का रिलेशन सेकंड वाले से दिया गया है, तो हमें बताना है कि थर्ड वाले का रिलेशन फोर्थ वाले से क्या होगा। तो 17 में क्या है, फिगर जो दे रखी है वो आपको कुछ ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका मतलब इसका रिलेशन इससे दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका रिलेशन यहां पर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो ये एरो तो आपका ये इधर की ओर ही रहा, सही है। सेकंड वाले में देखते हैं ये आपस में चेंज हो गए, ठीक है। तो चलिए अब इसे देखेंगे, ये भी आपका ऊपर की ओर ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप में तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, एक बार देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका ऐसे ही है, तीन सर्किल दिए गए हैं और तीन क्रॉस के साइन दिए गए हैं। इसको क्या करा हमने, इसको हमने रोटेट कर दिया। देखते हैं किस प्रकार से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो इससे ऐसा हो गया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो हमें बताना है कि इसका जो डायग्राम है इसका रिलेशन यहां पर क्या हुआ। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें आपका मैच
कर रहा है, ठीक है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है उसमें आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले आपको ये दिया गया है, इसका रिलेशन इस टाइप में दे रखा है। तो इस बार हमें ये देखो, ये जो डायग्राम है हमें ये यहाँ पर दे दिए, तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा, सही है। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही 20 है, 20 में क्या है देखो, ये कुछ इस प्रकार से है, एरो के साइन जो हैं इसकी मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी और इसके जो एरो है वो हमने सीधे कर दिए, ठीक है। हम इन दोनों को ऑप्शन में चेंज करेंगे इस टाइप से, तो ये कुछ ऐसी फिगर बनकर आएगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका डायग्राम यहां पर क्या बनेगा, ठीक है। जिसकी पहले मिरर इमेज बना देंगे इस टाइप में, फिर इनको एरो को घुमा देंगे अंदर की ओर, ये यहाँ पर सर्किल बन जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 21, और अपने जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में करते हुए चलें, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी आप अपना कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको जो एग्जाम होगा वो आपने बिल्कुल अच्छे से दिया गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपकी कटिंग फिगर है, इनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले जो आपकी फिगर दी गई है, इस टाइप में आपकी फिगर दी गई है, तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से हम कौन सा ऐड करें कि आपकी कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाए। तो चलिए देखते हैं क्या ऐड होगा। देखो सबसे पहले ये हमारी ये फिगर जो है ये ऐड होगी, तो ऐसे जो डायग्राम है वो किस ऑप्शन में बनना है, तो ऑप्शन ये जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या ऐड करें कि आपकी कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट बन जाए। तो देखो ये हमें कुछ इस टाइप से ऐड करना पड़ेगा, ये किस ऑप्शन में बनना है आपका, ऑप्शन डी में आपका ये बनना है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये पार्ट हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एक पहले सेमी सर्किल दिया गया है, उसके बाद इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या ऐड करें कि हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट बन जाए, तो देखो हमें कुछ इस प्रकार से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारी कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट हो जाए, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से जो है हमारी मिरर इमेज स्टार्ट हो गई है, मतलब कि आपको मिरर इमेज बतानी है, इसकी मिरर इमेज या दर्पण की इमेज चित्र क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपका ई है और तीन डॉट हैं, तो हमें इसकी आपकी मिरर इमेज बतानी है क्या होगी। तो ई देखो, ई तो इधर आ जाएगा हमारा और डॉट इधर आ जाएंगे, इनमें ये फिल हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सही सही बता दिया है कि इसमें क्या हमारी फिगर बनेगी, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में जो इसकी मेरी इमेज ई की नहीं बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 26 में
हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है, सही है। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, देखो एक सर्किल है यहाँ पहुँच जाएगा, सर्किल है यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ये सर्किल हमारे किधर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी जो फिगर बननी है वो किस ऑप्शन में बननी है, ऑप्शन बी जो है वो हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको एक 7 दिया गया है, इसके अंदर एक एरो का साइन बनना है, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, यहाँ एरो आएगा और यहाँ सर्किल आएगा। तो इसमें आपको कौन सा आंसर जो होगा वो आपको इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या दे रखा है आपका, ए वी पी, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो ए होगा हमारा लास्ट में जाएगा, वी होगा बीच में आएगा, पी होगा सबसे पहला आएगा और उल्टा हो जाएगा। तो इसमें आपकी कौन सी जो इमेज है वो आपकी बिल्कुल सही बन रही है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 29, ठीक है। तो 29 में आपको क्या करना है, इसमें आपकी पेपर फोल्डिंग दी गई है, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग जो दी गई है इसमें आपको, देखो सबसे पहले पेपर ऐसा था, ठीक है, उसको हमने यहाँ से मोड़ दिया अंदर की ओर, तो हमारा जो पेपर होगा वो कुछ इस टाइप से बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके मिड में से अंदर की ओर मोड़ दिया, तो पेपर हमारा कुछ इस टाइप में दिखेगा। इसके बाद हमने इसके भी हाफ कर दिया, तो हमारा जो पेपर होगा वो कुछ इस टाइप में बन गया, ठीक है। फिर हमारा एक कट यहाँ पर लगा दिया गया, तो हमें बताना है कि हमारी जो फिगर बनेगी वो कंप्लीट कैसी बनेगी। देखो जब हम इसको ओपन करेंगे ये वाली फिगर बनेगी, तो ये कैसी दिखेगी, कुछ इस टाइप में दिखेगी, ठीक है। जब ये यहाँ पर दिखेगी ऐसे, तो ये भी डिजाइन इसका यहाँ पर बनेगा, तो हमारा जो डिजाइन बनकर आएगा वो कुछ इस टाइप में बनकर आएगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ऐसे ही कुछ 30 में है, 30 में जो यहाँ पर आकर रोक दिया गया है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर आपकी कंप्लीट फिगर क्या होगी। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, तो देखो ये आपकी यहाँ पर बनेगी, ये आपके साइन नहीं होगी, आपका जो डायग्राम बनकर आएगा वो कुछ इस टाइप में बनकर आएगा, सही है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही है। ऑप्शन सी जो होगा इसमें वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 देखते हैं। 31 में आपको हमने आप पेपर जो है उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, उसके अंदर एक ट्राइंगल का छोटा कट लगा देगा। इसको हम ओपन करेंगे कुछ यहाँ से, तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस टाइप में बनेगा। फिर इसको हम पूरा ओपन करेंगे यहाँ तक, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पेपर फोल्ड करके यहाँ पर साइन लगा दिया गया है, तो इसको जब यहाँ तक ओपन करेंगे तो हमें ये सर्किल दिखेगा, इसको हम पूरा ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक और सर्किल दिखेगा। तो ये हमारे सब नहीं बनने के, जो हमारी कंप्लीट फिगर बनकर आएगी वो कुछ इस टाइप में बनकर आएगी, और ये किस ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन 33, तो क्वेश्चन 33 आप डिस्प्ले पर ही देखेंगे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें देखो बहुत सारी फिगर, देखो सबसे बड़े वाला ट्राइंगल देखो वो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एक तो ऑप्शन ए में है आपको और एक डी में है। तो पहले ए और डी को देखो, जो क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल दे रखा है वो ए से मैच कर रहा है या डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो ए है उसका ट्राइंगल क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
में जो सबसे बीच में डिजाइन दिया गया है उस पर फोकस करेंगे। वो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। अब इनका साइज चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में जो साइज दे रखा है इसका वो बहुत ही बड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा सी भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 में हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐड कर देंगे और इसको ऐसे, फिर ऐसे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है? तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 36 देखेंगे एक बार। उस जो क्वेश्चन है वो आप अपने डिस्प्ले पर ही चेक करेंगे, ठीक है, और एक बार कमेंट करेंगे कि ये कौन सा आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। तो बताएंगे एक बार कौन सा आंसर जो होगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, इसमें आपको ट्रायंगल दिया गया है, फिर एक छोटा ट्रायंगल है और बहुत सारी शेप दी गई है, मतलब चार शेप दी गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी, पहले सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखो ये वाली जो फिगर है वो हमारी इस शेप में दे रखी है, लेकिन ऑप्शन बी में हमारी यहीं पर रोक रखी है, तो ऐसी हमारी फिगर इन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो चुका है। ऑप्शन एक बार सी चेक करो। ऑप्शन सी में देखो जो सबसे बड़ी फिगर है वो हमें इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है, और ना ही ऑप्शन डी में दिख रही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारे कैंसिल हो गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। तो जो 37 है उसमें आपको हिडन फिगर बतानी है। ये हिडन फिगर हमारी किस ऑप्शन में है, ठीक। तो हमें बताना है ये हिडन फिगर जो है हमारी वो किस ऑप्शन में बन रही है। तो ऑप्शन ए चेक करेंगे। देखो ये इस वाले स्क्वायर पर फोकस करेंगे, ये स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? एक तो ए में है और बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए हैं केवल ए को छोड़कर, तो ए ही हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 पर हमारी जो फिगर है वो कुछ इस टाइप में दे रखी है, ठीक। तो हमें बताना है कि ये कौन से ऑप्शन में हिडन फिगर बनी हुई है। तो ऑप्शन ए में तो आपको कहीं भी दिखने रहा है ऐसा डिजाइन, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी चेक करेंगे। देखो ऑप्शन डी में अगर मैं इसको फिगर को कंप्लीट कर दूं इस टाइप से, तो देखो ये हमारी फिगर जो है वो हमारी यहाँ से कंप्लीट बन रही है। देखो ये रही जो हिडन फिगर है वो हमारी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बताना है कि ये किस ऑप्शन में शिफ्ट रहा है। तो ऑप्शन ए चेक करेंगे। ऑप्शन ए में ये ट्रायंगल शेप में जो है केवल ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर जो है वो सर्किल बनना है, तो ये केवल ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? आपको एल शेप दे रखी है। तो एल शेप किस में बन रही है? ऑप्शन बी में, जो कि आपको कुछ ऐसी डायरेक्शन दे रखी है। देखो यहाँ पर हमारा कुछ एल ये बनना, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और गुरुकुल की तैयारी कराना चाहते हैं तो अभी एडमिशन लें दक्षम मिलिट्री स्कूल मेरठ, जहां पर हम कराएंगे आपके बच्चे को स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।